सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज सभी जेनेमेंट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक के जो वीडियो हैं जो ऑटो प्ले हो जाते हैं ऑटोमेटिकली कैसे उसे स्टॉप करें। काफी केसेस में क्या होता है कि हमारे जो वीडियो हैं वो फेसबुक हम यूज में ले रहे हैं, अचानक से ऑटो प्ले हो रहे वीडियो, जिससे कि क्या होता है कि एक तो हमारा नेट खत्म होता है, दूसरी बात ये होती है कि जो वीडियो हमें नहीं चाहिए होता उसमें फालतू की जो साउंड होता है वो हमको सुनाई देने लग जाता है। अब इस केसेस में कैसे आप फेसबुक के वीडियो के ऑटो प्ले को रोके, आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों साथ ही दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप सबको मिलते रहे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक के जो ऑटो प्ले होते हैं वीडियोस उसको कैसे रोकें। क्या होता है कभी कभी अचानक से आप देख रहे हैं फेसबुक आईडी को देखते देखते अचानक से क्या होता है कि आपका जो वीडियो है अचानक चल पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कोई भी वीडियो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको लगता है कि यार ऑटोमेटिकली जब मैं इसको देख रहा हूँ स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ और अचानक से कोई वीडियो आ जाता है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या किया जाए कि जैसे कि वीडियो है वो ऑटो प्ले ना हो, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स के साइड पर जाना होगा। जैसे आप यहां पे जाते हैं दोस्तों यहां पे आपको सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको जाना होगा इसके अंदर, इसको स्क्रॉल करते जाइए। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मीडिया एंड कॉन्टैक्ट ऑप्शन को मिल जाता है, आपको मीडिया एंड कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मीडिया एंड कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप इसके वापस से इसके साउंड में नीचे जाएंगे। नीचे जाते ही आप देख पा रहे हैं ऑटो प्ले का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों ऑटो प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप ऑटो प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने नेवर ऑटो प्ले कर रखा है, यानी जब भी मैं अपने फेसबुक को देख रहा हूँ फेसबुक को देखते समय यहाँ वीडियो वाला सेक्शन आ रहा है, मैं वीडियो देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर तो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा जब तक कि मैं उसे क्लिक करके प्ले नहीं करूँगा। दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छा फीचर था, इससे दोस्तों दो बेनिफिट होते हैं, तो आप कहीं भी हो तो आपको अचानक से आप वीडियो पोस्ट करते हैं अचानक से आपको वीडियो प्ले हो जाता है तो आपको दिक्कत आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली कोई वीडियो चल रहा है तो आपको परेशान करता है ये चीज़। तो यहाँ से आप क्लिक कर दिए ऑन वाईफाई, यहाँ पर ऑन नेवर ऑटो प्ले कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जब वाईफाई चल रहा है तभी प्ले होना चाहिए तो यहाँ से वाईफाई वाले पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप बेसिक से नेवर ऑटो प्ले कर सकते हैं। दोस्तों